मैं जीरा, स्क्रीन विजिबल है सर वरना? यस याच्यापैकी आपण अँगुलर इंट्रोडक्शन अँड टाइप स्क्रिप्ट आपण कंप्लीट केलेला आहे. अँगुलर आर्किटेक्चर मध्ये जे की आपल्याला काही गोष्टी कंप्लीट करायच्या होत्या. अँगुलर आर्किटेक्चर मीन्स हाऊ टू इन्स्टॉल अँड सेटअप द एन्व्हायरमेंट, अँड त्याच्यामध्ये दोन गोष्टी महत्वाच्या होत्या. व्हॉट शुड बी लर्न इन अँगुलर आर्किटेक्चर? देर आर टू थिंग्स. फर्स्ट वन इज अँगुलर आर्किटेक्चर, फर्स्ट वन इज देअर फोल्डर स्ट्रक्चर, अँड सेकंड वन इज बुटिंग प्रोसेस. सेकंड कुठलं होतं? बुटिंग प्रोसेस. और इट इज अ इंटरव्ह्यू क्वेश्चन, व्हॉट इज अ फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ अँगुलर, अँड अनदर क्वेश्चन इज हाऊ अँगुलर ऍप्लिकेशन स्टार्ट, हाऊ अँगुलर ऍप्लिकेशन स्टार्ट. हा दुसरा क्वेश्चन आहे. हा दुसरा क्वेश्चन ही मी ऑलमोस्ट कवर केला होता, बट देन स्टील वी विल डिस्कस क्विकली विद इन अ 5 मिनिट. लेट्स स्टार्ट नाउ हाउ अँगुलर ऍप्लिकेशन स्टार्ट. सो फर्स्ट स्टेप इज देअर वेन वी, सगळ्यांना माझा आवाज व्यवस्थित होतोय? फर्स्ट वी पुट द कमांड दॅट इज कॉल्ड अँगुलर ऍप्लिकेशन स्टार्ट करण्यासाठी आपण काय करतो? एनजी सर एक्सिट और ओपन ओ फॉर दिस थिंग. दिस इज युअर फर्स्ट थिंग. देन आफ्टर दॅट सेकंड जी स्टेप आहे, याच्यामध्ये एरो आपण काढूया. सेकंड जी स्टेप आहे ती स्टेप काय आहे? सो इट इज अ सेकंड स्टेप, अँगुलर डॉट जेसन. ओके, अँगुलर डॉट जेसन. हाऊ टू स्टार्ट युअर अँगुलर ऍप्लिकेशन? What you need to say to interviewer, when we put ng-serve, you can say only ng-serve, then that it start the building, but it goes to the angular.json file. Where is it? Look at the angular.json file, guys. Last session we discussed very well this structure. Kuthe tumhala diste ti angular.json file kuthe diste? Let's see. This is your angular.json. I am opening my project one. This is one. So this is a project. Kuda diste angular.json mala sanga? Git cha khali, git ignore cha khali. Okay, angular.json. This, that particular builder goes to the angular.json file and finds it as a configuration, as a main. Look at here. Build madhe तुम्हाला काय दिसतं? मेन. आणि फाईलचं नाव काय दिसत आहे? रन साठी फाईलचं नाव काय आहे? गोज टू द दुसरी जी स्टेप आहे. हे क्वेश्चनचं आन्सर आहे गाईज. विचारणार तुम्हाला हे इंटरव्ह्यू क्वेश्चन, हे तुम्हाला माहित पाहिजे. एनजी सर्व केल्याच्या नंतर सगळ्यात अगोदर पाहता अँगुलर डॉट जेसन मध्ये ज्या काही डिपेंडन्सीज आहेत त्याचे लोकेशन फाइंड केले जातात. देन त्याच्यानंतर दुसरी जी, त्याच्यानंतर जी तिसरी स्टेप आहे तुमची, ती आहे मेन डॉट टीएस. हे जे अँगुलर डॉट जेसन आहे तो लोड करतो मेन डॉट टीएस फाईलला. ठीक आहे, मेन डॉट टीएस फाईलला. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ मेन डॉट टीएस फाईल? काय करते ही मेन डॉट टीएस फाईल? तर आता बघून घ्या. मेन डॉट टीएस फाईल जी आहे ती लोड करते एका डिफॉल्ट मॉड्यूलला. तर चला, मेन डॉट टीएस कुठे अवेलेबल आहे तुमची? एसआरसी मध्ये मेन डॉट टीएस. तर मेन डॉट टीएस तुम्ही कुठे पाहिलेली आहे मला सांगा? एसआरसी मध्ये काय सांगितलंय आणि पाथ काय दिलेला आहे तुम्हाला? व्हॉट इज युअर पाथ? मेनचा काय पाथ आहे? एसआरसी. एसआरसी मध्ये आलो. एसआरसी मध्ये तुम्हाला मेन डॉट टीएस फाईल दिसते का? हा, मेन डॉट टीएस फाईल, इट गोज टू प्लॅटफॉर्म ब्राउझर डायनामिक अँड इट इनवोक द बूटस्ट्रॅप मॉड्यूल. कोणतं मॉड्यूल एक्झिक्युट करते? बूटस्ट्रॅप मॉड्यूल. बूटस्ट्रॅप मीन्स आपलं ते बूटस्ट्रॅप 5 किंवा डिझायनिंग वाला बूटस्ट्रॅप नाही. बूटस्ट्रॅपचा दुसरा अर्थ, यानी उसका दुसरा मतलब होता है स्टार्टिंग और द किकिंग ऑफ द ऍप्लिकेशन. ठीक आहे, त्याला लोड करणार तो त्या पर्टिक्युलर मॉड्यूलला. सो बूटस्ट्रॅप मॉड्यूल मीन्स व्हॉट एक्झॅक्टली? इट इज स्टार्टिंग दॅट पर्टिक्युलर मॉड्यूल. ही जी फंक्शन किंवा मेथड आहे, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ द बूटस्ट्रॅप मॉड्यूल फंक्शन? इट इज गोइंग टू द किक स्टार्ट, और यू कॅन से ओनली स्टार्ट, और एक्झिक्यूट द, और यू कॅन से द लोड द ऍप मॉड्यूल.
it goes to the app module. So next step is your app module. I'm going to the paste here. This is an interviewer question, guys. App module. Okay. So now you have to find out where is it the app module. App module kuthe hai, tumhi control click kele tari disel. But app module tumcha kuthe hai, tumhala shodhaycha asel. Hey, baga, ithe app module hai. Yacha sarke ithe disate tumhala. Is this, you are able to see the app module? Yes. And what is it? It is saying that what is the path? Kaya hai yacha path, mala sanga? slash app कुठे दिसत आहे तुम्हाला दिसते इथे स्लॅप ऍप मध्ये दिसते स्लॅश आणि ऍप ऍप डॉट मॉड्यूल तुम्हाला बघा इथे ऍप डॉट मॉड्यूल जे आहे तुम्हाला दिसलेला आहे ठीक आहे ऍप डॉट मॉड्यूल मध्ये तुम्ही गेलात इथे इथे सपोज तुम्हाला तुम्ही इथे पोहोचलेला आहात ठीक आहे हे सगळे मॉड्यूल लोड होतील हे तुमचा कंपोनेंट असेल सपोज ठीक आहे मग हा कुठला लोड करतो इट विल लोड ऍप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस सो आय एम गोइंग टू पुटिंग इट लिटिल बिट स्मॉलर इट इज बिट स्मॉलर हाँ नेक्स्ट स्टेप काय आहे तुमची लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप काय आहे क्विक कुठे जातो तो हाँ ऍप मॉड्यूल मध्ये जातो ऍप मॉड्यूल मध्ये काय आहे ऍप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस ऍप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस जो आहे तो ओके Look at here. This is your second last position. This is your second last position. And what is your last position? Kutli step ahe yachyamadhye? Add the rate component banun dile. Yachyamadhye kay kay disate tumhala? What is it? Selector. Selector. Template URL and style URL. This is a CSS file. तर ही कुठली फाईल आहे? ऍप ही वाली फाईल आहे आणि CSS फाईल ही आहे. सो काय एक्झिक्युट होणार मग तुमचं? मी जे दिलेलं आहे हे रन होणार, हे एक्झिक्युट होणार. पण तिथून मग तो जो मेन फाईल आहे तुमची, मेन फाईल कुठली आहे तुमची? index.html. तर हा जो आहे कंपोनेंट लोड होणार, लोड झाल्याच्या नंतर ही इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रन होणार आणि इथे आपण कुठला कंपोनेंट दिलेला आहे सध्या? काय नावाचा कंपोनेंट दिलेला आहे? ऍप रूट का दिलेला आहे? तर त्याचं रिझन आहे तुमच्या या फाईलवर बघा इथे सिलेक्टरवर. जर का तुम्ही सिलेक्टर जर का वेगळा केला सपोज, जसं की मी लास्ट सेशन मध्ये पण सांगितलेलं आहे, जसं माय कंपोनेंट, तर इथे काय तुम्हाला द्यावं लागेल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ला? कुठलं माय कंपोनेंट जो आहे तो तुम्हाला द्यावा लागेल. सो दॅट्स इट. आता तुमचा जर का एक्झिक्युट झाला असेल तर हा माय कंपोनेंट जो नावाचा आहे तो एक्झिक्युट होईल तुम्हाला. दुसरा काही इश्यू येणार नाहीये. मी आता क्लोज करतो. करूया ला एनजी सर्व करायचं? यस. और ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी तो रनिंग आहे. मी आता ओपन करतो. ठीक आहे, हे झालं फास्ट ट्रॅक मध्ये. काल जे आपण कालपर्यंत जे शिकलो होतो स्ट्रक्चर अँड हा जो स्टेप्स आहेत आपल्या, त्या स्टेप्स आपण कालपर्यंत जे एवढ्या शिकलेल्या आहेत, दॅट्स इट. आजच्या टॉपिक मध्ये आपल्याला शिकायचंय व्हॉट इज एक्झॅक्टली मॉड्यूल. मॉड्यूल मध्ये काय काय आहे, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ मॉड्यूल. ठीक आहे, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्टेप्स? हाऊ स्टार्ट युअर अँगुलर ऍप्लिकेशन. ठीक आहे, लेट्स सी. Thank you.
एन जी सव एवरी टाइम सर ही कमांड द्यावी लागेल का रन करण्यासाठी? हा, एकदा रन झाल्याच्या नंतर दुसऱ्यांदा रन करायची गरज पडत नाही, चेंजेस करू शकता. ठीक आहे, ठीक आहे, झाला हा रन, चेक करा. ठीक आहे, तर आजचा जो सेशन आहे, आज आपल्याला काय डिस्कस करायचं आहे, व्हॉट वी नीड टू डिस्कस, मॉड्यूल. व्हॉट इज मॉड्यूल? लेट्स स्टार्ट नाउ. काय असत मॉड्यूल सांगा, सगळ्यांना माहिती आहे, मी प्रत्येक वेळेस सांगितलेलं आहे मॉड्यूल काय आहे. इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लासेस, क्लासेस, व्हेरिएबल, फंक्शन्स. ठीक आहे, मी तुम्हाला लास्ट वेळेस पण सांगितलं होतं की आपण व्हेरिएबल काय आहे, द मल्टिपल व्हेरिएबल कंबाइन इन टू द स्टेटमेंट, मल्टिपल स्टेटमेंट कंबाइन इन टू द फंक्शन, मल्टिपल व्हेरिएबल्स कंबाइन इन टू द स्टेटमेंट, मल्टिपल स्टेटमेंट कंबाइन इन टू द फंक्शन, व्हाट इज अ फंक्शन, मल्टिपल फंक्शन कंबाइन इन टू द क्लास, मल्टिपल क्लासेस कंबाइन इन टू द मॉड्यूल, वी कॅन से दॅट. सो दॅट इज अ मीनिंग सेम हियर, नथिंग एनिथिंग इज चेंज्ड. ठीक आहे, सो बेसिकली मॉड्यूल मध्ये काय काय आहे अँग्युलरच्या स्पेसिफिकली कंपोनंट. इट इज अ ग्रुपिंग, इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ क्लासेस अँड अँग्युलर. जस्ट मोमेंट हा गाईज, सो मॉड्यूल इट इज अ जस्ट ग्रुपिंग ऑफ क्लासेस अँड अँग्युलर मध्ये काय काय आहे. सो यू हॅव टू ग्रुप कंपोनंट डायरेक्टिव पाइप्स सर्विसेस providers. So how to create? Basically there are default module in Angular also that we called a built-in module, forms module, animation module, जे की बिल्ट इन असतात, ऑलरेडी प्रोव्हाइड करतात आपल्याला, ड्रॅग अँड ड्रॉप म्हणजे ते यूज करायचं आहे, दॅट्स इट, त्याला बिल्ट इन मॉड्यूल असं म्हटलं जातं. दीज आर अवेलेबल, हम लोग एक एक करके इसे इस्तेमाल करेंगे. दूसरा है कस्टम मॉड्यूल, यानी कि हमें खुद के लिए मॉड्यूल बनाना होता है. ठीक है, सो हाउ टू क्रिएट द कस्टम मॉड्यूल, इट इज अ व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एनजी मॉड्यूल फॉर द एम अँड मॉड्यूल नेम, ऐसे. ठीक है, इस तरह से आपको मॉड्यूल बनाना होता है. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कस्टम मॉड्यूल बनाने के लिए है, इस तरह से आप मॉड्यूल बना सकते हो. हाँ, लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मॉड्यूल कैसे इस्तेमाल करते हैं, अभी हम लोग इसे समझ लेते हैं. ये तो सिर्फ बनेगा और ये बनाया जाएगा एक ऐसे टाइप स्क्रिप्ट का क्लास. तो हम लोग अभी कोर टाइप स्क्रिप्ट का मॉड्यूल बना के दिखा देते हैं, देख लेते हैं टाइप स्क्रिप्ट मॉड्यूल. So I need your end answers guys. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है, क्या नाम लिखा है हमने,
क्लास क्लास और एंगुलर में को जो एंगुलर में जो मॉड्यूल है ये मॉड्यूल किसी किसी ग्रुप करेगा क्या क्या चीजें हैं मॉड्यूल के अंदर आएगी कंपोनेंट डायरेक्टिव टाइप सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज ओके अभी आप लोग मुझे बताइए मॉड्यूल का मतलब आप लोगों को क्या समझा सबसे पहले ग्रुपिंग यस ग्रुपिंग दैट इज अ सिंपल थिंग इट इज अ ग्रुप ओनली नथिंग एनीथिंग एल्स यानी कि किसी चीजों को ग्रुप करेगा अभी मैं आप लोगों को चार ऑप्शन दे देता हूँ आपके पास एक प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट में चार अलग अलग चीजें यूजर रिपोर्ट्स एंड सिक्योरिटीज लेट्स सी तो ये प्रोजेक्ट है आपका तो ये क्या होने चाहिए आपके यूजर रिपोर्ट्स कंपोनेंट अगर मुझे यूजर ऐड करना हो तो वो क्या होना चाहिए आपका मान लो ठीक है आपका ऑनलाइन एग्जाम का पोर्टल बनाने वाले हैं आप लोग एंगुलर यूज करके ठीक है तो इसके अंदर क्या क्या होगा मैं बता देता हूँ इसके अंदर होगा यूजर आपका देन इसके अंदर होगा आपका एडमिन या लेट्स सी क्वेश्चंस आंसर एग्जाम रिजल्ट मार्कशीट लर्निंग वीडियोस तो कैसे बनाओगे आप क्या एक इंटायर चीजें आप कंपोनेंट से बना सकते हो जी बिल्कुल नहीं तो आप क्या करोगे यूजर नाम का एक मॉड्यूल बनाओगे दिस इज द यूजर ये यूजर नाम का मॉड्यूल होगा इसके अंदर अभी एड एड यूजर नाम का एक कंपोनेंट होगा इसके अंदर व्यू नाम का एक कंपोनेंट होगा व्यू यूजर नाम का कंपोनेंट होगा डिलीट डिलीट नाम का कोई अगर डिलीट जो है एड मींस रजिस्ट्रेशन ना ओनली डिलीट यूजर कंपोनेंट होगा और अपडेट अपडेट जो रहेगा यूजर ये ऐसे तो ये आपके मॉड्यूल रहेंगे और इसके अंदर आपका जो भी रहेगा ये आपके कंपोनेंट होंगे ठीक है ये आपके कंपोनेंट होंगे बस दिस इज द वर्क फॉर द ग्रुपिंग ओनली रियल काम तो कंपोनेंट करेंगे सर्विस करेगा पाइप करेगा तो इससे आपको आइडिया आ गई कि क्या है एक मॉड्यूल यस सर अभी ये मॉड्यूल को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं ना ये आपको अच्छे से आना जरूरी है ठीक है मॉड्यूल को कैसे क्रिएट करते हैं और मॉड्यूल को एक अभी आप लोगों को एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पे भी इस्तेमाल करना आना चाहिए जैसे कि यूजर मॉड्यूल को हम लोग यूज करेंगे रिजल्ट में यूज करेंगे मार्कशीट जो है वो मॉड्यूल रिजल्ट में यूज करेंगे लर्निंग वीडियो जो है एग्जाम के लिए दे देंगे तो मतलब एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग करना भी जरूरी होता है तो वो कैसे करें मॉड्यूल कैसे रियल टाइम में क्रिएट करें तो वो सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे बेसिकली स्टार्ट करते हैं टाइपस्क्रिप्ट से तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्लास है स्टूडेंट का और दूसरा क्लास है स्कूल का So, अभी आप बताइए कि स्कूल स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए या स्टूडेंट शुड बी इन अ स्कूल स्टूडेंट शुड बी इन स्कूल ठीक है तो अगर मुझे यहाँ पे आप लोग बताओ कि स्टूडेंट मॉड्यूल हमें स्कूल मॉड्यूल में इस्तेमाल करना चाहिए या स्कूल मॉड्यूल हमें स्टूडेंट के अंदर इस्तेमाल करना है आपकी चॉइस है आपकी स्टूडेंट मॉड्यूल स्कूल के तो अभी ये साधे क्लास को अगर आपको मॉड्यूल में अगर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखो दैट्स इट तो ये जो है ये एलिजिबल हो जाएगा एज अ मॉड्यूल आप कहीं पे भी इसे इस्तेमाल करेंगे और याद रखना ये हर बार ये अलग अलग फाइल होंगी आप ये स्टूडेंट को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकोगे लेकिन डायरेक्टली कैसे वहां पे एक्सपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना होगा इंपोर्ट करना होगा ये एक्सपोर्ट हुआ तो ये दूसरे फाइल में आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट किस नाम से करोगे हाँ जो नाम है वही नाम से करेंगे और उसका जो
यहाँ पे लिखेंगे कहाँ से, उसका लोकेशन कहाँ पे उसके फाइल का, तो आप सिंगल कोट में आप उसका लोकेशन दे दीजिए, क्या लोकेशन रहेगा, जैसे कि एसआरसी के अंदर है एंड देन स्टूडेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग करोगे. सो आराम से आप अभी ये जो स्टूडेंट है इसे आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकोगे. इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल. अब इसके अंदर कुछ है नहीं, मैं एक मेथड लिख देता हूँ, शो वेलकम स्टूडेंट करके फंक्शन लिख देता हूँ, वेलकम स्टूडेंट. यहाँ पे लिखते कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखते हैं हेलो. और मुझे अभी इसका इस्तेमाल करना है तो सिंपल सी बात है, कैसे इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पे आ जाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे उसका, जैसे कि std इक्वल टू न्यू, और उसका जो ऑब्जेक्ट है, हमने सीखा था लास्ट टाइम पे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो ये जो क्लास है स्टूडेंट नाम का, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया. इसे आप वेयर या लेट या जो भी कुछ देना चाहेंगे स्कोप, मोस्टली लोकल स्कोप देंगे तो लेट या जो भी. std डॉट क्या नाम है उसका, फंक्शन का नाम क्या है, वेलकम डॉट स्टूडेंट. तो ये जो वेलकम डॉट स्टूडेंट है ये कौन से मॉड्यूल में है, अवेलेबल है, क्या नाम है इस मॉड्यूल का, स्टूडेंट. और ये जो मॉड्यूल है ये कहीं पे भी हो सकता है, एनी लोकेशन एनी वेयर. सो यू हैव टू इम्पोर्ट लाइक दिस, आपको सबसे पहले वो जो मॉड्यूल है वो एज एक्सपोर्टेड होना जरूरी है और आपको वो मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना भी जरूरी है, ठीक है. सो ये आपका मॉड्यूल है, इस तरह से आप टाइपस्क्रिप्ट में मॉड्यूल बनाओगे. ये आपको बना के दिखा दे एक बार, एम्प्लॉई का या किसी और का एग्जांपल, और उसे रन करके एग्जीक्यूट करके दिखा दे. चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार इसे क्विकली. मैं यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट, प्लेन टाइपस्क्रिप्ट यूज कर लेता हूँ, ठीक है. यहाँ पे शायद से ऑलरेडी है, ठीक है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है. क्या नाम का बनाओ, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट ts, ऑलरेडी है, और कुछ, टीचर डॉट ts एंड lg.ts college.ts, ठीक है. सो यहाँ पे क्या क्लास का नाम क्या रखे, क्लास टीचर और एक सिंपल फंक्शन लिख देते हैं. क्या लिखू, वेलकम, दैट्स इट, कंसोल डॉट लॉग वेलकम टू लर्न, दैट्स इट. अब ये किसी समझने में प्रॉब्लम है या डिफिकल्टी है बताइए. इसे मैं कर देता हूं यहां से एक्सपोर्ट, यहां से करना है एक्सपोर्ट यहां पे. और ये इम्पोर्ट कहां पे करना होगा, ये मॉड्यूल हम लोग कहां पे इम्पोर्ट करेंगे, कॉलेज में इंपोर्ट करेंगे. तो सबसे पहले क्लास clg, ठीक है, इसको डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो टीचर है, क्या करना पड़ेगा, मैं वेयर t इक्वल टू कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते. तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, जो मॉड्यूल हमें इस्तेमाल करना है उसे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इम्पोर्ट ब्रैकेट के अंदर जो ब्रेसेस है इसके अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, क्या नाम है उसका, टीचर, जो टीचर नाम है वो टीचर दे दीजिए. एंड क्या लिखना है आपको यहाँ पे, फ्रॉम और स्लैश या डॉट स्लैश रूट, कौन सा क्लास है वो, आपको दिखाई दे रहा है सिलेक्शन के लिए, दैट्स इट. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल सा, शो कॉलेज वेयर st1 इक्वल टू न्यू, या टीचर वाला ले देता हूँ मैं, t1 इक्वल टू न्यू टीचर,
दैट्स इट। क्या मैं अभी वो मॉड्यूल में जो भी कुछ है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं देख पा रहा हूँ? ये देखो यहाँ पे समझ रहे हैं ना, यहाँ पे आ गया, तो आप लोग इसे इस्तेमाल करो, दैट्स इट। सो आई हैव एक्सपोर्टेड वन मॉड्यूल। यहाँ पे देखिए कौन सा मॉड्यूल मैंने एक्सपोर्ट किया, टीचर मॉड्यूल मैंने एक्सपोर्ट किया। और ये मैंने कहाँ पे इम्पोर्ट किया? कॉलेज में, कॉलेज में किया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इसको रन करने के लिए आप सिर्फ CLG का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, तो बना लीजिए CLG, मतलब आपका जो भी कॉलेज है CL1 इक्वल टू न्यू, इसका ऑब्जेक्ट बना लो CLG कॉलेज का। और मेथड को, ये वाली जो मेथड है शो कॉलेज वाली, इसे एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है, CL1.showcollege। हो गया आपका काम। अभी इसका आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे टीचर में मैंने लिखा वेलकम टू लर्न, मैंने कॉलेज में उसे इंपोर्ट किया, ये जो फंक्शनलिटी है उस फंक्शनलिटी के अंदर मैंने इस्तेमाल करने के लिए कर दिया। अभी यहाँ पे आपको क्या रन करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले ये टाइप स्क्रिप्ट है, तो TSC लिखेंगे, TSC को जावास्क्रिप्ट में CLG.ts। हाँ, तो इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा आपको? मॉड्यूल भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉड्यूल भी है इसलिए मॉड्यूल लिखना पड़ेगा। और कैसे करेंगे हम लोग मॉड्यूल को करने के लिए? कॉमन JS, और उसके बाद इस्तेमाल करते हैं कॉमन JS, या इसको भी अगर नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। कॉमन JS से हम लोग इसे मॉड्यूल को ट्रांसपाइलेट कर सकते हैं, और उसके बाद उसके फाइल का नाम दे देते हैं। क्या है फाइल का नाम? ये जो आपके ये वाला जो मॉड्यूल है इसका नाम क्या है? तो इस तरह से आपको लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। सो अपन काय कर रहा था होती थे, बाइंडिंग म्हणजे काय? ही कुठली फाइल आहे माझी? काय नावाची फाइल आहे ही? app.compound.ts। माझा व्हेरिएबल काय नावाचा आहे तुमचा? स्टुडंट नेम नावाचा आहे। मग मला हा व्हेरिएबल मला इथे बाइंड करायचा आहे या पेजला। का करायचा आहे तो व्हेरिएबल? कारण की टेक्निकली HTML कॅन क्रिएट द स्ट्रक्चर अँड ओनली इट इज गोइंग टू द शो ऑर डिस्प्ले समथिंग, बट इट इज नॉट, इट हॅजंट द एबिलिटी टू ऍडिशन, सबट्रॅक्शन अँड इंटरॅक्टिव्ह, म्हणजे त्यामध्ये त्याला काही कॅल्क्युलेशन करता येत नाही। सो कॅल्क्युलेशन करण्याची जबाबदारी कोणत्या फाईलची आहे? कोणत्या टाईपच्या फाईलची आहे? टाईपस्क्रिप्ट। शो करण्याची जबाबदारी HTML ची। मग आता हे बाइंड करायचं आहे आपल्याला, काय बाइंड करायचं आहे? तुम्हाला काय टास्क दिला मी? कोणता व्हेरिएबल मला तिथे बाइंड करायचा आहे? तर चला मग मी इथे बाइंड करून दाखवू। तर मी इथे तुम्हाला बाइंड करून दाखवतो, ठीक आहे? बाइंड करण्यासाठी दोन कर्ली ब्रॅकेट ओपन क्लोज करा, बघा दिसत आहे? दोन कर्ली ब्रॅकेट ओपन आणि दोन कर्ली ब्रॅकेट क्लोज दिसत आहेत सगळ्यांना? ओके। आणि हा जो व्हेरिएबल आहे स्टुडंट नेम नावाचा, हाच आपल्याला दाखवायचा आहे ना तिकडे? मग इथे दाखवून मी याला सेव्ह करतो, याला आता याला एकदा रन करून घेऊया की रिफ्रेश करूया, थोडासा वेळ घेईल। हा बंद केलं का आपण याला? NG7 नव्हतं केलं, बंद केलं होतं। हो करतो, झाली बाइंडिंग। बर अलका, आपण काय बाइंड केलं बरं? कोणती फाईल कोणत्या फाईलला बाइंड केली आता असं वाटतंय? अलकाचा नेटवर्क इश्यू आहे, इट्स फाईन। वर्षा, कोणत्या दोन फाईल इथे बाइंड झाल्यात? app.compound.ts ही फाईल जी आहे ती HTML सोबत बाइंड झालेली आहे, म्हणजे तिचा डेटा जो आहे तो इथे दाखवला जातोय। दिसत आहे का तो डेटा? यस सर। काय तुम्हाला बाइंडिंग अवघड आहे का? डू यू थिंक बाइंडिंग इज रिअली डिफिकल्ट? सो इंटरव्ह्यूअर आस्क यू व्हॉट इज बाइंडिंग इन अँगुलर। ओके, आणि नाव सेकंड क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्ह्युअर इज व्हॉट इज इंटरपोलेशन? काय शब्द आहे हा? हाऊ डिफिकल्ट इट?
बताओ अभी किसे कहते हैं इंटरपोलेशन? हाँ पता है आप लोगों को किसे कहते हैं इंटरपोलेशन? आज रियली इट इज आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर, दिस इज अ टॉप मोस्ट फेमस क्वेश्चन। क्या आप लोगों को कितने लाइन का कितना बड़ा रहेगा इंटरपोलेशन? आपको क्या लग रहा है वर्ड समझ के क्या लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक? शब्द ऐकून तुम्हाला काय वाटतंय काय आहे हे? असं वाटतंय ना काहीतरी चक्कर आल्यासारखं? हॅलो गाइज रिस्पॉन्स मे क्या लग रहा है आप लोगों को? छोटा सा ही होगा लेकिन क्या लग रहा है ये लड़ाई होगा ना ऐसा कुछ नाम तो पूछना। गाइज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड इट इज ओनली हमने इसे क्या बोला डबल करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज बहुत ज्यादा बोला हमने इसे बोलते हैं इंटरपोलेशन। कंसेप्ट इज वेरी 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 लेस कंसेप्ट बहुत छोटी है सिर्फ नए नए शब्द आ जाते हैं और कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। सो सर बाइंडिंग आणि इंटरपोलेशन सेम आहे का? हा त्याचा पण मी तुम्हाला ते जे आहे ते दूर करतो डोंट वरी मी नोट्स दिल्यात चांगल्या पैकी बट नाव वी विल स्टार्ट द सेम थिंग्स नाव युअर क्वेश्चन आन्सर इज देअर ठीक आहे। सो व्हॉट इज बाइंडिंग? देअर आर टू टाइप्स। सो व्हॉट इज अ बाइंडिंग डेफिनेशन लिखवा देते हैं ठीक है। व्हेन वी कनेक्ट और यूज टू फाइल्स डेटा यूजेस डेटा वी कैन से अच्छी डेफिनेशन मैंने नोट्स में निकाल के दी है डोंट वरी गाइस वी कैन से बाइंडिंग। देयर आर कितने टाइप्स की बाइंडिंग है इंटरव्यूअर पूछ रहा है मैं नहीं कितने टाइप्स की बाइंडिंग है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइंडिंग। कितने टाइप की बाइंडिंग है? टू टाइप्स बाइंडिंग है टू टाइप। पहली है वन वे और दूसरी है टू वे ठीक है। दूसरी है टू वे। वन वे का मतलब है कि अगर टीएस में डेटा है तो व्यू में दिखाई देगा मतलब टाइपस्क्रिप्ट का डेटा व्यू में दिखा सकते हैं और वही डेटा अगर व्यू में चेंज करेंगे ना तो टाइपस्क्रिप्ट में चेंज नहीं होगा एक जगह से है ठीक है। या तो फिर जैसे कि मान लो मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ नेम इक्वल टू सागर एंड अगर वो व्यू में दिखाई देगा तो ये क्या होगा नेम इक्वल टू सागर व्यू में क्या दिखाएगा नेम जो है वो सागर दिखाई देगा। हाँ लेकिन यूआई से अगर मैंने चेंज किया सागर का विजय तो ये यहाँ पे चेंज नहीं होगा मतलब वन वे हुआ है ये सिर्फ एक ही फाइल में चेंज होगा और दूसरे फाइल में दिखाई देगा। टू वे का मतलब क्या है? टू वे का मतलब क्या है? टू वे का मतलब है कि टाइप स्क्रिप्ट में मैंने नेम लिखा सागर और व्यू फाइल में यानी कि एचटीएमएल के फाइल में मैंने उसे रन टाइम पे चेंज कर दिया विजय नेम इक्वल टू लेट्स सी विजय तो ऑटोमेटिकली जो चेंज होगा यहाँ पे चेंज होगा मतलब कि दोनों साइड से चेंज होता है इसे कहते हैं टू वे बाइंडिंग। यानी कि वो ये जो वेरिएबल है ये एचटीएमएल में भी चेंज हो सकता है उसकी वैल्यू जो है वेरिएबल की वो एचटीएमएल में भी चेंज हो सकती है और टाइपस्क्रिप्ट में भी चेंज हो सकती है लेकिन वन वे का मतलब है कि एक ही साइड से चेंज होगा एक ही फाइल से दोनों फाइल से चेंज नहीं होगा। दो फाइल अगर आप कनेक्ट कर रहे हो यहाँ पे लेट्स सी क्विकली एक फाइल है आपकी एचटीएमएल और दूसरी फाइल है आपकी टीएस इसमें अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू चेंज यहाँ पे अगर हमने वैल्यू ली है यहाँ पे ये वेरिएबल की वैल्यू सागर ठीक है तो ये वैल्यू यहाँ पे सागर ही दिखाई देगी। यहाँ पे कोई भी एचटीएमएल वन वे बाइंडिंग में आप चेंज नहीं कर सकते वैल्यू यहाँ से दिस इज कॉल्ड वन वे बाइंडिंग यानी कि ये जो डेटा है टीएस का डेटा यहाँ पे एज इट इज डिस्प्ले होगा बट टू वे बाइंडिंग में क्या होगा टू वे बाइंडिंग सेम रहेगा सेम ही दो फाइल के बाद कनेक्टिविटी होगी सेम रहेगा बट इसमें और एक चीज आएगी कि ये एचटीएमएल से भी चेंज कर सकता है ये वेरिएबल को। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ टू वे बाइंडिंग और ये जो एग्जांपल रहेगा
ये रहेगा वन वे बाइंडिंग, यानी कि एक ही साइड से चेंज होगा, सिर्फ यही पे चेंज करेंगे तो इधर रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, एनी क्वेश्चन कंफ्यूजन टिल नाउ? वन वे बाइंडिंग और टू वे बाइंडिंग मतलब एक ही जगह एक ही फाइल में डेटा चेंज कर सकते हैं और वो दैट्स इट. और टू वे बाइंडिंग मतलब दोनों भी फाइल में हम लोग उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल या प्रॉपर्टी जो भी कुछ है. आस्क मी क्वेश्चन गाइस. लाइक ए वन वे कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन. हाँ वही चीज है, मतलब यार आपके घर जाने के लिए वन वे रास्ता है और या तो टू वे रास्ता है, दोनों में से एक है. वही चीज है, यूजर पण चेंज करू शकतो डेटा. हाँ यूजर पण चेंज करू शकतो डेटा. सर इनपुट के लिए टू वे यूज कर सकते हैं यहाँ पे. हाँ करना, आगे हम करेंगे, वही करने वाले हैं, डोंट वरी, वी आर डूइंग दैट वन बाय वन. और यही चीज मैंने आपको नोट्स पे ना अच्छे से लिख के भी दी है शायद से. ये देखो वन वे बाइंडिंग है. हाँ अभी वन वे बाइंडिंग में क्या क्या आता है देखो, कंपोनेंट व्यू के अंदर क्या क्या आता है. पहला ऑप्शन क्या आता है? इंटरपोलेशन. दूसरा ऑप्शन क्या आता है? प्रॉपर्टी बाइंडिंग. तीसरा ऑप्शन क्या आता है? स्टाइल बाइंडिंग. चौथा क्या आता है? डीज आर ना, ये जितने वर्ड के कैरेक्टर मतलब जिसके अंदर उसके अंदर एक वर्ड के अंदर कैरेक्टर लिखा है ना, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये. इंटरपोलेशन मींस व्हेन वी आर गोइंग टू यूज द ब्रेसेस, दैट इज अ योर इंटरपोलेशन. अभी प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होगा? डाटा टाइप्स. नहीं भाई कुछ भी इतनी बड़ी बात नहीं है. ठीक है, नथिंग. डेटा टाइप नहीं, आपका वेरिएबल भी मतलब बाइंडिंग का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए कि आपके टीएस में जो वेरिएबल है या डेटा है ना, ये आपके कंपोनेंट के साथ. और वन वे का मतलब है कि टीएस का डेटा आप ऐप कंपोनेंट पे डिस्प्ले करोगे. तो ये जो फील्ड है आप इंटरपोलेशन करके यानी कि ऐसे ब्रेसेस करके यूज कर सकते हो. दूसरा जो ऑप्शन आता है वो कौन सा ऑपरेशन ऑप्शन कौन सा आता है? प्रॉपर्टी वाला. कौन सा है? प्रॉपर्टी वाला. सर अपन हे एग्जांपल घेतलं, हे वन वे चा होता. सगळे वन वे चे आहेत. कोणते कोणते वन वे चे आहेत? सो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ कौन से ऑप्शन है. इंटरपोलेशन टाइपो अगर रहेगा ना तो बाद में सॉल्व कर देना. वन वे में क्या क्या है? इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, स्टाइल बाइंडिंग, स्टाइल बाइंडिंग. चौथा एट्रिब्यूट बाइंडिंग. ठीक है, ये सारे हैं. इंटरपोलेशन कर लिया आप लोगों ने, प्रॉपर्टी बाइंडिंग में देख लेते हैं आपके अभी. चलो तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में एक बात याद रखना कि हम जो है HTML की जो प्रॉपर्टी होगी, जो एलिमेंट का कोई भी HTML का कोई भी एलिमेंट है जो हम लोग उसे प्रॉपर्टी कह सकेंगे, उसको हम लोग बाइंड कर सकते हैं आराम से. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक पूरा पेज निकाल देता हूँ, मेरे पास कोई पेज है ही नहीं. इसे सही कर लेते हैं, क्या एरर है ना, इसका एरर निकाल देते. क्या बोल रहा है? App component is declared here, not available. ठीक है, कुछ तो हमने कम ज्यादा किया है. ठीक है, वो निकाल देंगे हम लोग बाद में. लाइन नंबर app component के ऊपर ये चेंज कर लेते हैं तब तक के लिए. ठीक है, ये चलेगा, कोई इशू नहीं इसका. बट ठीक है, वो कहीं पे रेफरेंस हो रहा है इसका शायद, देख लेते. पहले ये कवर कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसको क्या इशू है इसका. ऐप नंबर 11. hmm.
हमने अभी फिलहाल में कुछ चेंजेस किए थे क्या, निकाल दिया है शायद यहाँ से ना। इंटरपोलेशन कर लेते हैं, लेट्स सी पी बाय बाय। सर वो ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल में तो डायरेक्टली लिखते हैं ना, डॉक टाइप डॉक्यूमेंट टाइप सब डालते हैं? नहीं, वो इट्स डिपेंड ऑन, हम लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ और जगह पे सेव नहीं हो रहा है वो, कुछ तो इशू दे रहा है। ऐप कंपोनेंट्स दिख ले कहां पे, ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में एरर आ रहा है। डायरेक्ट मॉड्यूल के अब वो यूज नहीं कर रहे बोल रहे ना, इसलिए क्योंकि हमने उसे अनयूज्ड किया है। यहाँ पे ये वाली जो चीज है यहाँ पे हमें अनयूज्ड कर दिया है इसे, इसके लिए वो इशू दे रहा है। तो चलो ऐप कंपोनेंट को यूज कर लेते हैं। यूज तो होना चाहिए, इसे बंद कर देता हूँ। पहले मैं आप लोगों को ये पूरा जो है कवर कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसका एरर कुनाल तरी ना माइक सा इशू है बहुत एक करूँ, प्रताप तुझा आएगा चेक कर एक दा, बंद करो। हाँ इसको सॉल्व कर देते हैं। नहीं ना राहुल राज आपका अब बंद कर सर, मेरा ओके नेटवर्क का इशू नहीं ना, नहीं किसी का तो भी है नहीं सर, मेरा ओके ओके ठीक है। इसको बंद करके मैं देख लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसका कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो क्लियर जो है वो कर देते हैं। ऑफ करो विद वीडियो। पहले हम लोग कंसेप्ट को समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी बाइंडिंग जो है आपका, प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोग समझ लो प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या है। आप कोई भी ये वाला जो रहेगा आपका, जैसे कि इमेज टैग है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे इमेज के अंदर क्या यूज करते हैं आप लोग? एसआरसी। एसआरसी यूज करते हैं, एसआरसी, ठीक है। और यहाँ पे आप डबल कोट में, यहाँ पे आपको क्या देना होता है, क्या वैल्यू देनी होती है? slash और क्या देना होता है यहाँ पे? location file location, file location देना है, ठीक है। तो आप इसे क्या कर सकते हो, अभी मेरे पास ना, मुझे ऐसे यहाँ पे URL नहीं देनी, क्योंकि जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, पर्टिकुलर इमेज की बहुत लंबी ऐसी locations होती है। तो ये जो img है ये कौन से फाइल में यूज करूंगा मैं, ये कौन से फाइल में यूज करूंगा? HTML फाइल में यूज करूंगा, ठीक है। अगर मैं कोई वेरिएबल बना लेता हूं, जैसे कि इमेज URL नाम के बना देता हूं और इसमें सारी लोकेशन दे देता हूं, ये कौन सी फाइल होगी आपकी? टाइपस्क्रिप्ट। हाँ ये होगी आपकी टाइपस्क्रिप्ट होगी, ठीक है। तो आप इसे क्या कर सकते हो, इसे आप इस तरह से, सिर्फ ये जो है ना आपके SRC, इसे क्या करोगे आप, क्या किया इसको आपने, व्हाट यू हैव डन, स्क्वायर ब्रैकेट इनसाइड बराबर एरे ब्रैकेट दे दिया है इसे, और ये जो प्रॉपर्टी है, ये वाली जो फील्ड है प्रॉपर्टी TS में की, बस इतना देना है, हो गया बाइंडिंग। सो दिस इज अनदर वन, ये वाला जो है किसी भी एलिमेंट के साथ वो आप प्रॉपर्टी बाइंड कर सकते हो, और ये आप डायरेक्टली दो ब्रैकेट के साथ दिखा सकते हो ऐसे। तो ये वन वे, ये भी वन वे है और ये भी वन वे है। आप ये जो फील्ड है, ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली आप आपके इसके साथ यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। सो एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना है आप लोगों को? व्हेन we want to use directly that particular property or field bind with the our element, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ये element के साथ आपने bind किया हुआ है, देखो element के साथ में जहाँ जहाँ element होगा आप वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, वो use हो जाएगा।
इसमें कुछ डिफिकल्टी लग रही है आप लोगों को इंटरपोलेशन में या प्रॉपर्टी बाइंडिंग में? सिर्फ वेस कोड मध्ये एकदा दाखवा ना, ते पण करून देतो मी तुला, ठीक आहे? त्याचा पण करून दाखवतो, ठीक आहे? येलो वीएस कोड इसे हम लोग हटा देते हैं. दिस इज फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है? एंड HTML से हम लोग निकाल देते हैं, इंटरपोलेशन निकाल देते हैं. इसमें लिखते हैं, लेट्स सी, कलर नहीं, इसके एट्रिब्यूट नहीं ले लेते, इमेज वाली ले लेते, img ये वाला. लेट्स सी, थोड़ा सा ना माइक का इशू है, थोड़ा सा म्यूट करा माइक ला. प्रताप का माइक का थोड़ा सा इशू है आई बिलीव. हा काय झाला तुमचा, व्हाट इज डन? बाइंड केला, ठीक आहे. इथे आता कुठला व्हेरिएबल घ्यायचा? टायटल, बट ती इमेज तर दिसणार नाही कारण की ही इमेज आहे बेसिकली, आपल्याला ती बाइंड करावी लागेल, ठीक आहे? इमेज नाही दिसणार तर काय झालं, अजून दुसरे काहीतरी दिसेल. लेट्स सी, आपण दोन्हीला तेच बाइंड करू शकतो, काय प्रॉब्लेम नाही. याला करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? काय बाइंड केलं मला तुम्ही सांगा अगोदर, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हमने क्या बाइंड किया है, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल हमने बाइंड किया है? टाइटल, कहां पे हमने बाइंड किया और क्या यूज करके बाइंड किया हमने? वो डायरेक्टली फिल्टर, प्रॉपर्टी बाइंड. इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली एचटीएमएल एलिमेंट के एलिमेंट को आप वो प्रॉपर्टी जो है, वो जो फील्ड का जो डेटा है वो बाइंड कर सकते हो. इस तरह से आपको ये करने को मिल रहा है, दैट्स इट, ठीक है? इतना कर लीजिए, इसको मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर देता हूँ, शायद ये कुछ एरर दे रहा है तो वो भी सॉल्व कर देंगे. जस्ट अ मोमेंट, आप लोगों को क्या क्या प्रैक्टिस करनी है आज, क्या क्या सीखा है हम लोगों ने? बाइंडिंग, हाँ, मॉड्यूल क्लास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, हाँ, तो ये कल सब प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कल तक. एनजी बैश नहीं आना चाहिए, सीएमडी में देना सर, सीएमडी ना, तो बैश का है. एनजी तुझा तुझा माइक चा इशू है प्रताप, एनजी सर काहीतरी असं, तू तुझा अनम्यूट केला की थोडा असं ना एकदम लाइट असा यूज येतो काहीतरी. अजून कोण आहे का याला? राहुलराज आप म्यूट करके देखो, हाँ वेट करो. हाँ प्रताप तुझं चालू राहू दे, आता तुझा अनम्यूट कर, राहू दे आता बघूया. आवाज येतो सगळ्यांना तसं थोडस हे झाल्यासारखा स्पीकरचा? हो सर, हो सर, हो सर. प्रताप तुझा इश्यू आहे त्याचा काहीतरी इंटरनेट, तुला आवाज येत नसेल कदाचित, पण येतोय, ठीक आहे? काहीतरी माहित नाही काय इश्यू येतो, ठीक आहे? सो कर गया, रन कर गया, रन कर दिया ना मैंने. वो सर ऊपर में इमेज के देखो छोटी सी आ रही है ना, इमेज का सोर्स नहीं हमने दिया हुआ, इमेज का सोर्स है ही नहीं ना, तो मैं लेट्स सी गूगल नेचर, पता नहीं ये लोड होगी या नहीं, बट ठीक है ट्राई कर लेते हैं कुछ तो.
मिलिंद सर अच्छे से कर सकते हैं यार, इसे बहुत एक्सपर्ट है वो लोडिंग करने के। सर इमेज का सोर्स देना है। रुको ना मैं निकाल रहा हूँ उसका सोर्स, निकालते हैं कैसे तो भी करके। एक इमेज ओपन होनी चाहिए, ये साइट ही ओपन हो रही है ना, कनाडा। ये सिर्फ वहां पे पेस्ट करना है अपने को बस। नहीं यार ये इमेज ओपन होनी चाहिए इसकी, आपको ना देना पड़ेगा यहाँ पे। और उसका जो भी सोर्स है ऑनलाइन का, ये जो app component.ts करके रहेगा आपका जो भी ts फाइल है ये वाला, ये उसके बदले में आपको, लेकिन मैं टाइटल नहीं दूंगा यहाँ पे, जैसे कि URL। हाँ आपको अगर वो इमेज चाहिए तो कॉपी इमेज एड्रेस करें। वो तो किया है अभी अभी, वो आना तो चाहिए। हाँ चलो ठीक है, डाल के देख लेते हैं। ठीक है थैंक यू पूजा। पूजा है क्या आरती पता नहीं। ये देखो इस तरह से मैंने लिया इमेज यूआरएल, क्या लिखूं इसका वेरिएबल का नाम, इमेज यूआरएल लिखूं ऐसे, और ये लिख देते हैं ऐसे। मिलिंद सर के स्टूडेंट बहुत होशियार है यार। IMGSRC यहाँ पे हम लोग आते हैं, कहाँ पे आना है हमें, कहाँ पे लिखना है वो चीज बताओ अभी फटाफट मुझे। HTML फाइल, HTML फाइल में कहाँ पे है वो, SRC में देना है ना। चलो आ गया क्या फाइल? यस सर। देखो ये वेरिएबल को ना हमने, यानी ये फील्ड को हमने इसके साथ बाइंड किया। सिंपल भाषा में अगर बोलो तो पहला जो इंटरपोलेशन होता है ना वो ये ऐसे होता है, और दूसरा प्रॉपर्टी बाइंडिंग जो है ना ये ऐसे होता है, और तीसरा जो है ना ये इस तरह से होगा। ठीक है बट टाइल कीप इट सिंपल, देन कल देख लेते हैं बाकी के सारे जो वन वे बाइंडिंग और टू वे बाइंडिंग कल खत्म करेंगे। और कल का नेक्स्ट टॉपिक होगा डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव तीन तरह की डायरेक्टिव होंगी, वो पढ़ लेना, जिसके अंदर इफ एल्स मतलब जो इफ है, एनजी इफ होता है, एनजी स्विच केस होता है, और एनजी लूप होता है यानी फॉर लूप होगा। तो ये कर लो, कल हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, और बेसिक एरे भी सीखेंगे हम लोग कल, लेकिन इसके पहले इसकी सारी प्रैक्टिस कर लो। कंसेप्ट